नमस्कार दोस्तों, पिछले पूरे हफ्ते सभी मेजर मंडियों में गेहूं की कीमतें नीचे की ओर स्टेबल बनती हुई दिखी हैं। दिल्ली लाइन में कीमतें 50 रुपये पर क्विंटल तक टूटी हैं और ये 2450 के लेवल पे आ चुकी हैं। तो अब क्या आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतें और घट सकती हैं? वहीं एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गेहूँ का उत्पादन 106 मिलियन टन होने का अनुमान बताया गया है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है, पर सरकार के 112 मिलियन टन के आंकड़े से कम है। गेहूं की नई फसल मंडियों में बढ़ने लगी है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू किए जाने के बाद से अभी तक वहां नई फसल की आवक ना के बराबर है। तो आगे बाजार किस तरफ जाएगा? कीमतें नीचे की तरफ ही बनी रहेंगी या आगे कुछ सुधार देखने की उम्मीद है? क्या इस साल गेहूँ का उत्पादन 106 मिलियन टन से ज्यादा रहेगा और इस बार कितनी सरकारी खरीद MSP पे हो पाएगी? चलिए आज की वीडियो में इन्हीं सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम सभी मेजर मंडियों में स्टेट वाइज कीमतों में आए उतार चढ़ावों को समझेंगे और जानेंगे आगे बाजार किस तरफ जा सकता है। पिछले हफ्ते दिल्ली में गेहूं की कीमतें 50 से 70 रुपए पर क्विंटल से टूटी हैं। पिछले हफ्ते सोमवार को दिल्ली में गेहूँ 2500 से 2520 की रेंज में खुला था और शनिवार आते आते ये 2450 रुपए पर क्विंटल पे बंद हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी कीमतें नीचे की ओर जाती हुई दिखी हैं। गोरखपुर में 20 रुपए और वाराणसी में 70 रुपए पर क्विंटल तक गेहूं के भाव टूटे हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां भी पिछले पूरे हफ्ते सभी मेजर मंडियों में कीमतें स्टेबली बनती दिखी। साउदर्न लाइन में खासकर महाराष्ट्र के बाजार में कीमतें स्टेबली बनती हुई दिखी है। इस हफ्ते की अब तक की बात करें तो इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में यानी कि सोमवार और मंगलवार को गेहूं के भाव सभी मेजर मंडियों में नीचे की ओर स्टेबल बनते हुए दिखे हैं। दिल्ली लाइन में इस हफ्ते कीमतें 10 से 15 रुपए पर क्विंटल से और टूटी हैं। वहीं दाहोद में भी गेहूं के भाव 10 रुपए पर क्विंटल तक टूटे हैं। अब गेहूं बाजार में बने इस मार्केट ट्रेंड के रीजंस को समझे तो मंडियों में आवक बढ़ती हुई देखी गई है, जिससे कीमतों में गिरावट बनी हुई है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी था कि बाजार में आगे आवक बढ़ेगी, जिससे बाजार में प्रेशर बनेगा, ठीक वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। अगर चालू सीजन में चल रही सरकारी गेहूं खरीद की बात करें तो पिछले हफ्ते तक 6 लाख टन गेहूं मंडियों में आता हुआ दिखा है, जिसमें से 1/3 गेहूं खरीदा जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से इस साल सरकार टोटल 50 लाख टन गेहूं खरीदने का टारगेट लेके चल रही है। हरियाणा और पंजाब में 1 अप्रैल से सरकारी गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई थी और प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी बनाए गए, लेकिन अभी तक फिलहाल वहां गेहूं की आवक ना के बराबर है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के मिड तक हरियाणा में गेहूं की आवक बढ़ेगी और पंजाब में अप्रैल के अंत तक गेहूं पीक पर आएगा। पंजाब से इस साल 162 लाख टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। अब गेहूं प्रोडक्शन और अराइवल्स पे एक नजर डालें तो रोलर फ्लोर मिलर फेडरेशन की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं प्रोडक्शन इस साल 106 मिलियन टन के आसपास रह सकता है, जो कि सरकार के दिए हुए 112 मिलियन टन के आंकड़े से कम है। हालांकि ये नंबर पिछले साल से ज्यादा है। अधिकांश एरियाज में इस बार गेहूं की फसल को लेकर सारे किसान खुश हैं और अच्छे पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। हरियाणा में भी गेहूं की फसल अच्छी हालत में है और पंजाब में भी शानदार प्रोडक्शन की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल दोनों राज्यों में फसल पकनी शुरू हो चुकी है। ओवरऑल अभी यहां से आने वाले दिनों की बात करूं तो गेहूं की बढ़ती आवक और इस साल प्रोडक्शन में बढ़त को देखते हुए अभी 5 से 6 दिनों तक गेहूं की कीमतें थोड़ा और नीचे जाने की उम्मीद ज्यादा दिखती है। सरकार भी गेहूं बाजार पर बराबर नजर बनाए हुए है और अधिक से अधिक गेहूं खरीदना चाहेगी, पर वहीं अगर डिमांड में आगे बढ़त दिखती है तो कीमतों में छुटपुट उछाल बन सकता है। ओवरऑल 10 से 15 दिनों तक गेहूं बाजार में वेट एंड वॉच अप्रोच के साथ काम करना ज्यादा बेहतर रह सकता है। अभी फिलहाल आगे मौसम कैसा रहेगा और उससे गेहूं की आवक मंडियों में कैसी रहेगी, इससे भी गेहूं की कीमतों में इंपैक्ट पड़ेगा और ये एक लिमिटेड रेंज में ऊपर नीचे घूमती रह सकती है। अब आप लोग गेहूं बाजार को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऑफ बिजनेस मंडी चैनल को। गेहूं बाजार की ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप अपने फोन पे भी देख सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऑफ बिजनेस मंडी ऐप। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इसे आप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।